हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं EMFT के बारे में और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स से, जो कि है वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल है क्या? हम कैसे स्टडी कर रहे थे अभी तक सारे कॉन्सेप्ट? हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करते थे जब हम उसे रिलेट करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट से, राइट? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का एनालॉगस टर्म क्या है? वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम वी से डिनोट करते थे। सेम ही वही चीज़ बताता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, राइट? सो अभी वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिराइव कैसे करेंगे, बायॉट सेवर्ट लॉ से कैसे डिराइव करेंगे, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल को नहीं जानते हैं तो साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो वेक्टर आइडेंटिटी क्या होती है? हमने ऑलरेडी एक लॉ डिस्कस कर रखा था मैग्नेटोस्टैटिक्स का। लॉ क्या था? डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये लॉ बताया था, इसे हम डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या मैंने आपको इन्फरेंस दिया था कि हमारे पास मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं है, मैग्नेटिक डायपोल्स रहेंगे, हमेशा नॉर्थ के साथ साउथ रहेगा, राइट? सो वो था डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन, राइट? इसका इन्फरेंस अगर हम निकालें, हम एक वेक्टर आइडेंटिटी भी जानते हैं। व्हाट इज द वेक्टर आइडेंटिटी? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज आइडेंटिकली जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो होता है किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए, राइट? तो डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? ये हो गई मेरी वेक्टर आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिराइव करी थी। क्या आप इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं? यहाँ पर डेल डॉट बी है, यहाँ पर भी डेल डॉट है, बट यहाँ डेल क्रॉस ए है। तो क्या मैं बी को डेल क्रॉस ए से इक्वेट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। सो बी को हम कैसे लिख सकते हैं? कर्ल ऑफ सम वेक्टर, राइट? तो यहाँ से मैंने बी को इक्वेट करा कि बी जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर्ल ऑफ सम वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो वेक्टर है इसे हम बोलते हैं वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, राइट? सो इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड इज जीरो, आई नो द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड इज जीरो, राइट? डेल डॉट बी इज जीरो, ये तो इक्वेशन हमने पढ़ी ही है। वेक्टर फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कर्ल ऑफ सम वेक्टर पोटेंशियल फील्ड। तो हमने बी को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? एज अ कर्ल ऑफ ए, राइट? सो डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, जिससे हमें कौन सी प्रॉपर्टी पता लग रही थी? मैग्नेटिक मोनोपोल, प्लस यहाँ पर हमें पता लग रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जो बी है, बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो सोलेनोइडल है। सोलेनोइडल जो भी फील्ड होती हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। सो डेल डॉट बी इज जीरो। सो नाउ इट कैन बी रिटन एज द कर्ल ऑफ सम वेक्टर फील्ड। अब जिस कर्ल का, किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल लिया और हमने बी को इक्वेट कर दिया। सो ये जो ए वेक्टर है इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, राइट? सो आई होप आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट कि मैंने बी को डेल क्रॉस ए लिखा है और ए जो है यहाँ पर ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। मैंने डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं करा है। क्यों फाइंड आउट नहीं करा? जैसे मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करती थी वर्क डन से, क्या मैं वर्क डन से वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकती? नहीं, क्योंकि इस केस में मैग्नेटोस्टैटिक्स में वर्क डन तो हमेशा हमेशा ही जीरो रहेगा। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था आपको, वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा। जब वर्क डन जीरो है तो उससे हम कुछ चीज को डिराइव कर ही नहीं सकते, राइट? सो बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल क्रॉस ए वेक्टर, वेयर ए इज द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, राइट? सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं कैसे बायॉट सेवर्ट लॉ से हम वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल को डिराइव करेंगे। सो बायॉट सेवर्ट लॉ को कैसे लिखेंगे? अगर मेरे पास वॉल्यूम करंट डेंसिटी है तो बी आर इन द वॉल्यूम करंट डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रेशन ओवर वी। यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम में करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इंटीग्रेशन भी ओवर वॉल्यूम लेंगे, म्यू नॉट जे आर क्रॉस आर अपॉन 4πr³ dV। सो यहाँ पर जो dV है ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम ही लेंगे। सो डेल ऑफ 1 बाय आर, डेल ऑफ 1 बाय आर क्या होगा?
माइनस आर अपॉन आर क्यूब। अब ये आपका टास्क है, आपको फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट ऑफ 1/r। ग्रेडियंट तो हम सब लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ 1/r निकाल सकते हैं। डेल पता है क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड, उसे बस 1/r पर आपको अप्लाई करना है। बट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है, एंड यू कैन प्रूव डेल ऑफ 1/r इज इक्वल टू माइनस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। अगर आप एग्जाम में करेंगे तो आप लर्न कर कर जा सकते हैं डायरेक्टली ये, राइट। सो डेल ऑफ 1/r माइनस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों साइड से अगर मैंने जे आर डैश से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ जे आर डैश मल्टीप्लाइड विद आर अपॉन आर क्यूब, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, माइनस जे आर डैश क्रॉस डेल 1/r। सो यहाँ पर दोनों साइड हमने जे आर से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, जे आर डैश क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस जे आर डैश क्रॉस डेल ऑफ 1/r, राइट। अब यहाँ पर वी ऑल्सो नो द आइडेंटिटी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कर्ल की एक आइडेंटिटी पता है, अगर ए क्रॉस बी है क्या ये कॉम्यूटेटिव होता है, कर्ल तो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। सो ए क्रॉस बी हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल, राइट। ये दोनों माइनस साइन, डायरेक्शन इक्वल नहीं रहेगी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड इक्वल रह सकता है, राइट। सो हम क्या करेंगे, माइनस जे आर डैश क्रॉस डेल 1/r था तो मैं क्या करूंगी, इनका ऑर्डर चेंज कर दूंगी तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, सो मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेल 1/r क्रॉस जे आर डैश, राइट। ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। सो नाउ जे आर डैश, जे आर डैश तो क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, क्या ये आर पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, राइट। तो एक कॉन्स्टेंट है, इसको मैं अंदर ले जा सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले गई तो मैंने कैसे लिखा, डेल क्रॉस जे आर डैश अपॉन आर, राइट। सो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन आर, सो मैंने यहाँ पर इसको अलग से ले लिया, सो डेल क्रॉस जे आर डैश अपॉन आर, राइट। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। सो अब नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मूले में हमारे पास क्या था, जे आर डैश क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये वाला पैरामीटर था, ये वाला पैरामीटर हमने निकाल लिया है, जे आर डैश क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, डेल क्रॉस जे आर अपॉन आर। सो यहाँ पर डेल क्रॉस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एज इट इज लिखेंगे, इस पूरे पैरामीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ओवर वी जे आर अपॉन आर, राइट। सो हेयर वी विल बी हैविंग इंटीग्रेशन ओवर डी वी, ठीक है। तो ऐसे हम बी आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल क्रॉस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन ओवर वी जे आर अपॉन आर डी वी। बट ऐसा क्यों करा है मैंने, इतने सारे स्टेप्स लगाकर ऐसा क्यों करा, ये मैंने इसलिए करा क्योंकि डेल क्रॉस बी क्या था, डेल क्रॉस ए, राइट। ए निकालना है तो अगर मैंने बी को डेल क्रॉस समथिंग के इक्वल लिख दिया तो जो बचा डेल क्रॉस के बाद वो तो ए ही होगा, तो ये जितना पैरामीटर ये जो बचा है ये पूरा होगा ए। ए क्या है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन ओवर वी जे आर अपॉन आर डी वी, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा मैथमेटिकली मैंने कैसे वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल को निकाला है। अब ए को कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन ओवर वी जे आर अपॉन आर डी वी। बट ये कब होगा, जब हमारे पास वॉल्यूम करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हमारे पास सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो ए आर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। अब नाउ यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस करेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एस करेंगे, तो ये हो जाएगा जे एस आर वैक्टर अपॉन आर, राइट। यहाँ पर हम सरफेस करंट डेंसिटी लेंगे, अगर लाइन करंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर लाइन करंट डिस्ट्रीब्यूशन में जे इज इक्वल टू आई हो जाता है, तो हम जे की जगह आई से रिप्लेस कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन ओवर एल डी एल अपॉन आर, राइट। सो ऐसे हम सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, राइट। सो इट इज ईजियर टू फाइंड आउट बी फ्रॉम ए। आप देख रहे हैं बी को अगर ए से निकालना हो तो हमें क्या करना है, अगर मेरे पास ए गिवन हो तो मैं बी को सीधा कर्ल निकाल कर विद डेल बी निकाल सकती हूँ, बी होता है डेल क्रॉस ए, ए गिवन होगा तो मेरे को बस डेल से कर्ल लेना है ए का। बट अगर मैं बायॉट सेवर्ट लॉ से निकालने लगूँ तो मेरे को बहुत सारे पैरामीटर कंसिडरेशन में लेने होंगे, तब मेरे को बी निकल कर आएगा, राइट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैन बी इजिली फाइंड आउट जब हमारे पास ए गिवन हो, राइट। सो डेल क्रॉस ए निकालेंगे और बी बहुत ईजिली निकल आएगा। इट इज़ ईजियर टू फाइंड आउट बी फ्रॉम ए
rather than using the Biot-Savart law. Now here A is analogous to the scalar electric potential. A किसके analogous है? V के, which is scalar electric potential. अब जो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल है हम उसे क्या बोलते हैं? इट इज़ जस्ट एन ऑक्सिलरी फंक्शन विद नो फिजिकल मीनिंग, क्योंकि हमने यहाँ इसे वर्क डन से नहीं निकाला है. वर्क डन तो इस केस में, मैग्नेटोस्टेटिक्स के केस में वर्क डन हमेशा जीरो होएगा. सो इसे हमने इमेजिनरी टर्म से निकाला. इट्स जस्ट अ थियोरेटिकल कंसेप्ट विद नो फिजिकल मीनिंग. बट कुछ जो क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमिना है वहाँ पर वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल इज अ रियल क्वांटिटी. बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटोस्टैटिक्स तो वहाँ पर आपको वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल को रियल एज्यूम नहीं करना. इट इज़ जस्ट अ क्वांटिटी जिसकी हेल्प से आप बी बहुत ईजिली निकाल सकते हैं. सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. थैंक यू सो मच.